हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग बात करने हैं फिगर काउंटिंग, यानी कि त्रिभुज जो रेक्टेंगल होता है अगर एग्ज़ाम में आ जाता है तो हम लोग कहीं कहीं फंस जाते हैं, लेकिन आज हम लोग जो ट्रिक्स के माध्यम से रेक्टेंगल यानी कि त्रिभुज काउंटिंग का जो सवाल है उसको हल करने वाले हैं, तो आपका जो है एग्ज़ाम में टाइम टेकिंग जो है काफ़ी बचत होगा। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। देखिए पहले क्या है, पहला जो त्रिभुज दिया है इसमें पहले त्रिभुज में कितने त्रिभुज हैं, ऐसे एग्ज़ाम में आ जाता है, पूछा जाता है कितने त्रिभुज आप कहे। आप चाहे कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करो, चाहे SSC CGL हो या UPSC या उनडे एग्ज़ाम की तैयारी, तो ऐसे त्रिभुज आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, कुछ नहीं गिरना है, यहाँ से नहीं गिरना है, कुछ नहीं गिरना। सबसे पहले क्या करना है, एक त्रिभुज, दो त्रिभुज, तीन त्रिभुज, चार, पाँच, यहाँ तक कर लेना। उसके बाद सबको जोड़ देना है, जितना है सबको ऐड कर देना है, यानी कि कितना हो जाएगा, तीन तीन छः, छः चार दस, पाँच पंद्रह, यानी कि इसमें 15 त्रिभुज हैं। सबसे आसान विधि, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अच्छा अब तो ये वाला कर लिया, लेकिन अब इसमें क्या कैसे करोगे, इसमें तो फंस जाओगे, इसमें भी नहीं फंसोगे। देखो क्या करना है, सबसे पहले इसमें भी ऐसे कर काउंट कर लेना है, एक, उसके बाद फिर दो, इसके बाद तीन, इसके बाद चार, उसके बाद पाँच। अच्छा पाँच है, सेम विधि के द्वारा पहले इसको ऐड करेंगे यानी कि जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद देखिए तीन तीन छः, छः चार दस, पाँच पंद्रह, यानी कि 15 त्रिभुज। अब दिमाग कहाँ लगाना है, सबसे पहले देखना क्या कितने बेस हैं त्रिभुज में, एक बेस, दो बेस, तीन बेस, चार बेस, यानी आधार, एक दो तीन चार, चार आधार है, यानी कि 15 गुणे चार, 15 चौका 60, यानी कि इसमें जो है 60 रेक्टेंगल है, 60 त्रिभुज हैं। आइए तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन कैसे करते हैं, देखिए तीसरा क्वेश्चन देखने में कुछ ऐसे तरीके से दिख रहा है, कंफ्यूज हो जाओगे कि कितने त्रिभुज हैं। सबसे पहले क्या करना है, हमको करना है एक त्रिभुज, दो त्रिभुज, तीन त्रिभुज, चार, एक, पाँच। पाँच त्रिभुज दिख रहे हैं, लो भैया पाँच त्रिभुज गुणे इसका दो गुना कर देना, पाँच गुनैया इसमें 10 त्रिभुज हो जाएंगे। इसको आपको क्या करना है, याद रखना है, याद रखना पड़ेगा। तो त्रिभुज के अगर आपको कोई हार्ड क्वेश्चन फंसेगा तो यहीं से फंसने वाला है और कहीं से नहीं फंसने वाला है, बस ऐसा ही ट्रिक है त्रिभुज का। तो ऐसे ट्रिक्स को आप बार बार अपने जो है कॉपी पेन में दोहरा लें तो आपका एग्ज़ाम में कभी भी गलत नहीं होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।